दिव्या नाम की एक ऐसी लड़की है जिसके जिंदगी में बहुत ही दर्दनाक घटनाएं होने लगती है। उसके अपने लोग उससे दूर हो जाते हैं और उसके माँ बाप उसे अपनाना नहीं चाहते। अब दिव्या इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर ही रही थी कि तभी उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर वो एक साइको किलर के जाल में फंस जाती है। ये साइको किलर लड़कियों से नफरत करता था और उनको मारकर उनकी लाश को नदी में फेंक देता था। तो दोस्तों, अब दिव्या इन सारी मुसीबतों से कैसे लड़ेगी और क्या वो इस खतरनाक सीरियल किलर से बचने में कामयाब हो पाएगी, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है व्हाइट रोज। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्यादा शॉकिंग और दिल दहला देने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी साउथ के ऐसे ही थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात से, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की किसी रेस्टोरेंट के पास शायद किसी का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक गाड़ी आती है और ये लड़की उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और उस आदमी के साथ वहां से जाने लगती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो लड़की एक कॉल गर्ल है और वो बंदा उस लड़की को अपने साथ घर ले जाकर उसके साथ कांड करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी दरमियान में वो बंदा उस लड़की को एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। अब उस लड़की के बेहोश हो जाने के बाद वो उस लड़की को अपने बेसमेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर काफी सारे टूल्स रखे हुए थे। हम देखते हैं कि ये बंदा उस लड़की के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इस लड़की को मारने के बाद उस लड़की की लाश को एक थैले में बंद करके बाहर जाकर किसी तालाब में फेंक देता है। अब उसके अगले दिन सुबह कुछ लोग उस थैले को देखकर तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस भी वहां पर फटाफट पहुंच जाती है और उस थैले को ओपन करने के बाद उन्हें वहां पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है। अब एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि सर, लगता है इस लड़की की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल के बीच में होगी और उसी तरह इस लड़की की मिडिल फिंगर नहीं है, मतलब कि शायद इस लड़की को मारने वाले ने उसे काट दिया होगा। अब उसी वक्त एसीपी इंस्पेक्टर को कॉल करके इस क्राइम के बारे में पूछने लगता है। तो इंस्पेक्टर बताने लगता है कि सर, यहाँ पर भी सेम पैटर्न में कत्ल हुआ है, इस लड़की की भी मिडिल फिंगर कटी हुई है। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और यही हमारी कहानी की हीरोइन है। हम देखते हैं कि दिव्या बहुत ही दुखी मन से अपने अपार्टमेंट से बस स्टॉप की तरफ जाने लगती है और जाते समय वो अपने मन में कह रही होती है कि हमारी जिंदगी में हम जो कुछ भी सोचते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता, जो हमारे किस्मत में लिखा होता है वही होता है, हम उसे बदल नहीं सकते और उसी तरह से किस्मत हमारे चाहने वाले लोगों को भी हमसे दूर कर देती है। इस तरह से दिव्या यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है। और अब दोस्तों, यहाँ से सीन जाता है थोड़ा सा फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें दिव्या की कहानी को दिखाया जाता है। दरअसल दिव्या एक हाउसवाइफ होती है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है दिया। दिव्या के पति का नाम होता है अशरफ और वो फॉरेन में काम करता है। अब ऐसे एक दिन अचानक दिव्या को सरप्राइज देने के लिए उसका पति अशरफ उसे बिना बताए उसके घर पर आ जाता है और यहाँ पर अशरफ को देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब दरअसल दोस्तों, आज दिव्या का बर्थडे होता है और दिव्या यही सोचने लगती है कि आज उसका हस्बैंड उसको सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आया है। वो वेट करती रहती है कि कब उसे अशरफ सरप्राइज देगा, मतलब कि बर्थडे विश करेगा। लेकिन शॉकिंगली अशरफ तो दिव्या को विश ही नहीं करता, बस इधर उधर की बातें करते रहता है। खैर, अब उसके बाद ये तीनों डिनर करने का प्लान बनाते हैं और उनकी बेटी दिया तुरंत ही रेडी होकर फ्लैट के नीचे आ जाती है। अब इसी अपार्टमेंट में काव्या नाम की एक लड़की भी रहती है जो दिव्या की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। अब ये बच्ची दिया काव्या को अपने फादर के बारे में बताने लगती है और उसके पापा घर पर आए हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है। खैर, अब उसके बाद ये तीनों ही रेस्टोरेंट पर जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो दिव्या का मूड ऑफ ही होता है क्योंकि अशरफ ने तो उसे अब तक विश नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि अशरफ ने दिव्या के लिए ऑलरेडी एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी और दोस्तों, रेस्टोरेंट में जाते ही उसका बर्थडे बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और ये देखकर दिव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खैर, एक दिन दिव्या और उसका हस्बैंड अशरफ किसी जगह पर जाकर वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन एक जगह पर यहाँ पर रास्ते में पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा दिया था, लेकिन अशरफ इस चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि उस वक्त कुछ पुलिस वाले और टेररिस्ट एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं, मतलब कि यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से शूटिंग हो रही होती है। अब ये नजारा देखकर ये तीनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जब तक अशरफ अपनी बाइक लेकर वहां से निकल पाता तो तभी पुलिस वालों की एक बुलेट अशरफ के सिर पर लगकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये घटना देखकर दिव्या के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, वो तो पूरी तरीके से शॉक में ही चली जाती है। दिव्या के आंखों के सामने ही उसके पति की मौत हो गई थी। अब तभी वहां पर इन पुलिस वालों की टीम का लीडर आता है जिसका नाम होता है बैटरी।
सो वेटर भी अशरफ की लाश को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस वाले इस इल्जाम को अपने सर पर ना लेते हुए रिपोर्ट में ये लिख देते हैं कि अशरफ भी एक टेररिस्ट है। तो उसके अगले दिन टीवी न्यूज चैनल पर यही न्यूज चलने लगती है कि अशरफ भी एक टेररिस्ट है और उन टेररिस्ट लोगों के साथ अशरफ की भी फोटो दिखाई जाती है। और दिव्या ये सब कुछ टीवी न्यूज चैनल पर देख रही थी। ये देखकर बेचारी दिव्या और भी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि पहले से उसका पति गुजर चुका है और अब उसके पति के ऊपर ये बेवजह इल्जाम लग रहे थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बेचारी दिव्या उसके पास जितने पैसे होते हैं उन्हीं पैसों से वो अपने घर को चलाने लगती है, अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगती है। लेकिन इसी दरमियान में एक दिन उनके घर का ओनर दिव्या के पास घर का रेंट मांगने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि पिछले 3 महीनों से तुमने अपना रेंट नहीं दिया है। तो दिव्या बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। लेकिन वो मकान मालिक एक भी बात नहीं मानता, वो दिव्या के साथ झगड़ा करने लगता है। अब इसी झगड़े के दौरान वहां पर काव्या आती है और उस हाउस ओनर को कुछ पैसे देकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उसे जाते वक्त कहती है कि दोबारा से दिव्या को तंग मत करना और बाकी के पैसे मुझसे मांग लेना। अब यहाँ पर काव्या दिव्या और उसकी बच्ची के लिए कुछ खाना भी लेकर आई थी। वो उन दोनों को खाना परोसने लगती है और दिव्या को मोटिवेट करते हुए कहती है कि अब तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए जीना होगा, इसलिए तुम कोई ना कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो और कितने दिनों तक ऐसे दुखी रहोगी। तब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि दिव्या अपनी बेटी को लेकर अपने फादर के घर पर जाती है। लेकिन दिव्या का फादर तो दिव्या को अपने घर के अंदर आने ही नहीं देता। वो उसे कहने लगता है कि हमारी बेटी तो 5 साल पहले ही हमारे लिए मर चुकी है। मतलब कि दोस्तों दिव्या और अशरफ ने लव मैरिज की थी, इसलिए दिव्या का फादर दिव्या को ठुकरा देता है। अब उसके बाद दिव्या काव्या से मुलाकात करती है और उससे अपने जॉब के बारे में पूछती है। मतलब वो काव्या से कहने लगती है कि काव्या तुम ही मेरे लिए कुछ अच्छी सी जॉब ढूंढ दो ना। तो काव्या दिव्या को लेकर एक सुपरमार्केट जाती है और दिव्या को वहां पर जॉब मिल जाती है। अब यहां पर जॉब करते करते दिव्या अपनी जिंदगी गुजारने लगती है और उसी तरह अपनी बेटी को भी स्कूल भेजती रहती है। हर रोज उसकी बेटी दिया अपना स्कूल खत्म होने के बाद दिया दिव्या के दुकान के पास से आकर रुकती है, अपनी माँ दिव्या का इंतजार करती रहती है। लेकिन अब एक दिन जब दिया दिव्या के दुकान के पास बैठी होती है तो अचानक से दिया कहीं पर गायब हो जाती है। दिव्या बाहर आकर अपनी बेटी को देखती है तो वहां पर उसकी बेटी नहीं होती। वो अपनी बेटी की बहुत ज्यादा तलाश करती है लेकिन फिर भी उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। लेकिन तभी उस वक्त पेरुमल नाम का एक बंदा दिव्या को कॉल करता है और उसे अपने अड्डे पर बुलाने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, इसलिए तुरंत ही तुम मुझसे आकर मिल लो। अब दिव्या घबराते हुए पेरुमल के पास चली जाती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि दिव्या के पति अशरफ ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पेरुमल से ब्याज के तौर पर कुछ पैसे लिए थे। लेकिन इसी दरमियान में अशरफ की मौत हो गई और वो पेरुमल के पैसे चुका नहीं पाया और अब इसी बदले में पेरुमल ने दिव्या की बेटी को उठा लिया। दिव्या पेरुमल से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि देखिए आप मेरी हालत समझिए, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। लेकिन पेरुमल तो उसकी एक भी बात नहीं मानता, वो तो उसे सिर्फ 2 दिन का टाइम देता है, वरना वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मलेशिया भेज दूंगा। तो बेचारी दिव्या वापस अपने घर पर आकर इसी के बारे में सोचने लगती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी। अब उसके थोड़ी देर बाद में काव्या वहां पर आती है। दिव्या रोते हुए काव्या से कहने लगती है कि काश जिस दिन अशरफ की मौत हुई उसी दिन मैं भी मर जाती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, मुझे इतनी सारी परेशानियां झेलनी नहीं पड़ती। तो उसके दोस्त काव्या उसे मोटिवेट करते हुए कहने लगती है कि देखो दिव्या मरने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा। दिव्या कहने लगती है कि अब तो बस मेरे पास मेरी बेटी थी लेकिन उस पेरुमल ने मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया। तो काव्या उसे दिलासा देने लगती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों किसी भी तरह पैसे अरेंज कर लेंगे। और वैसे भी मैंने तुमको एक बात बताई नहीं है, मैं किसी कॉल सेंटर में काम नहीं करती, मैं एक कॉल गर्ल हूँ। ये दुनिया ऐसी चलती है, गिव एंड टेक, कुछ दो और कुछ लो। मैं ये काम अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त मेरी सिचुएशन तुम्हारी तरह ही थी जब मैंने ये फैसला लिया था। अब काव्या के वहां से जाने के बाद दिव्या बहुत ज्यादा सोचने लगती है और आखिरकार डिसाइड कर ही लेती है कि ना चाहते हुए भी उसे ये काम करना ही होगा अपनी बेटी के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं काव्या दिव्या को अच्छी तरीके से तैयार करने लगती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा नंबर कुमार भाई को दे दिया है, कुमार थोड़ी देर बाद में तुम्हें कॉल करेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कहां पर जाना है, तुम घबराओ मत मैंने कुमार को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब उसके थोड़ी देर बाद में कुमार दिव्या को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे फोटो को देखकर एक बंदर ने तुमको बुक किया है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारे घर के पास जो बस स्टॉप है तुम वहां पर पहुंच जाओ, कस्टमर लाल गाड़ी में आकर तुम्हें पिक कर लेगा, अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर लेना या फिर तुम अपने दोस्त काव्या को भी कॉल कर सकती हो। खैर अब यहां से सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, मतलब कि फिलहाल दिव्या इसी बस स्टॉप पर खड़ी होकर अपने कस्टमर का इंतजार कर रही थी। वो अपने मन में कहने लगती है कि पता नहीं मैं जो कर रही हूँ वो सही है गलत,
लेकिन मेरी बेटी दिया को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। मेरे सामने सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी का मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तो अब इसी दरमियान में रेड कलर की गाड़ी उस बस स्टॉप पर आ जाती है और दिव्या घबराते हुए उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। और दरअसल दोस्तों ये कस्टमर और कोई नहीं बल्कि वही साइको किलर होता है। थोड़ी देर के बाद ये बंदा दिव्या को लेकर अपने घर पर आ जाता है और एक्चुअली इस बंदे का घर सिटी से थोड़ा दूर होता है। अब ये आदमी दारू वगैरह पीता है और दिव्या को भी ऑफर करता है, लेकिन दिव्या उस बंदे से कहती है कि मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। इस तरह से अब दिव्या वॉशरूम में आकर फूट फूट कर रोने लगती है कि मेरे इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ दो लोग हैं, एक है मेरे पिताजी और दूसरा है वो पिरुमल। लेकिन अब जो भी हो और जैसे भी हो दिव्या को तो ये काम करना ही पड़ेगा। तभी दिव्या अपने हाथ में अशरफ की दी हुई रिंग को देखने लगती है। जब वो उस रिंग को निकालने वाली होती है तभी वो रिंग फिसल कर नीचे गिर जाती है। जब दिव्या अपने रिंग को निकालने की कोशिश करने लगती है तो उसी बाथरूम में दिव्या को किसी की उंगली दिखाई देती है और ये देखकर तो दिव्या के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और काव्या और कुमार को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क न होने की वजह से बेचारे का कॉल नहीं लगता। तो दिव्या बहुत ज्यादा रोने लगती है और अब उसे क्या करना है ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ये साइको बंदा दारू पीते हुए ड्रग्स का सेवन करने लगता है और म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगता है। इसी डांस के दौरान वो एक लड़की को इमेजिन करता है और उसके साथ भी डांस करता है। यहाँ इस तरफ दिव्या इमरजेंसी कॉल 100 को डायल करती है और दोस्तों शॉकिंगली वेटरी कॉल को अटेंड करता है, मतलब कि वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क आ गया था। अब दिव्या अपनी सिचुएशन के बारे में बताने लगती है कि सर मैं एक स्ट्रेंजर के साथ उसके घर पर आई हूँ और फिलहाल मैं बाथरूम में हूँ। यहाँ पर बाथरूम में मुझे किसी की कटी हुई उंगली मिली है, सर प्लीज मुझे आप बचा लीजिए, मुझे आदमी कोई साइको किलर लगता है। अब दिव्या की बातें सुनने के बाद वेटरी जान लेता है कि फिलहाल दिव्या उसी साइको किलर के घर में मौजूद है जो लगातार लड़कियों को मारकर उनकी मिडिल फिंगर काट रहा है। अब तुरंत ही वेटरी दिव्या के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इस बार दिव्या के फोन में तो नेटवर्क नहीं था इसलिए उसके लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी वेटरी दिव्या के फोन नंबर को हासिल करके उसके लास्ट लोकेशन के बारे में पता करने लगता है और अपने कुछ टीम मेंबर्स को उस लोकेशन पर भेज देता है। अब यहाँ पर दिव्या वेटरी को अपनी बेटी के बारे में भी बताने लगती है कि एक्चुअली सर पेरुमल नाम का एक बंदा है जिसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। मेरे पति ने पेरुमल से कुछ पैसे उधार के तौर पर लिए थे लेकिन वो चुका नहीं पाए। अब अगर मैं यहाँ पर मर गई तो प्लीज आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। तो वेटरी दिव्या को हौसला देते हुए उसे कहता है कि दिव्या तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम वहाँ से सही सलामत बाहर निकल लोगी और तुम्हारी बेटी भी ठीक ठाक होगी। अब इसी दरमियान वो साइको बंदा दरवाजे को खटखटाने लगता है तो दिव्या उस बंदे से बहाना बनाने लगती है कि मैं नहा रही हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस वाले दिव्या के लास्ट लोकेशन पर पहुंचकर उसे ढूंढने लगते हैं और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन वेटरी को बताने लगते हैं, लेकिन उन पुलिस वालों को यहाँ पर कुछ खास सबूत नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर एक पुलिस वाले वेटरी के पास आकर उसे कहने लगती है कि सर दिव्या ने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर अशरफ नाम के बंदे के नाम पर रजिस्टर है और वो अशरफ वही है जो पुलिस वालों के हाथ मारा गया था। तो ये सुनने के बाद वेटरी तो शॉक ही रह जाता है और उसी तरह से अपने फ्लैशबैक के बारे में याद करने लगता है। दरअसल रॉ एजेंट को ये बात पता चली थी कि रहमत नाम का एक बंदा चेन्नई आने वाला है और ये रहमत नाम का एक बंदा बहुत बड़ा टेररिस्ट होता है। तो अब यहाँ पर रॉ एजेंट पुलिस वालों के पास आकर उनको ये इन्फॉर्मेशन बताते हैं और उनको बैकअप के लिए मदद भी मांगते हैं। तो वेटरी का सीनियर ऑफिसर ये काम वेटरी को सौंप देता है कि तुम इस रॉ एजेंट की टीम के साथ जाओ और उस रहमत को पकड़ लो। और दोस्तों उस दिन जब रहमत और उसके साथी अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो वेटरी उसकी टीम ने उन्हें रोककर वहां पर फायरिंग चल रही थी और दोस्तों इसी दरमियान में अशरफ को गोली लगकर उसकी मौत हो गई थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और वेटरी सोचने लगता है कि उस दिन दिव्या को इंसाफ नहीं मिला था और हम लोगों की वजह से ही वो विधवा हो गई और शायद हमारी वजह से ही वो इस सिचुएशन में फंस गई है, इसलिए अब हमें दोबारा मौका मिला है, हम दिव्या को उसकी अच्छी जिंदगी लौटा सकते हैं। खैर अब दिव्या की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर उन्हें ये बात पता चलती है कि कुमार और काव्या नाम के दो लोगों ने दिव्या को लास्ट कॉल किया था। यहाँ दूसरी तरफ पेट्रोलिंग करने वाले दो पुलिस वाले वेटरी को कॉल करके बताते हैं कि सर आपने बताए हुए लोकेशन पर हमें कुछ खास नहीं मिला है। तो अब ये बात जानने के बाद वेटरी अपनी टीम मेंबर रेखा को कॉल करता है, वो उसे बताने लगता है कि एक लड़की की जान खतरे में है और हम लोगों को किसी भी हालत में उस लड़की को बचाना ही है। मैंने ऑलरेडी कुमार को कॉल किया लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा, इसलिए तुम फटाफट से उसके बारे में पता करो, उसके घर पर जाओ, तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। उसके बाद बैटरी कंट्रोल रूम के सारे स्टाफ से कहने लगता है कि दिव्या के साइड से कोई भी कॉल आए तो फटाफट से मुझे फॉरवर्ड कर दो, आज रात हम लोगों को किसी भी हालत में दिव्या की जान को बचाना ही होगा। यहाँ इस तरफ रेखा किसी भी तरह से कुमार का एड्रेस पता कर लेती है और उससे पूछने पर कुमार रेखा को बताता है कि अरे ये तो दिव्या है, नई लड़की, आज ही कस्टमर के साथ काम पर गई है।
अब रेखा उसे उस कस्टमर की डिटेल्स मांगने लगती है, लेकिन कुमार उस कस्टमर की डिटेल्स बताने से मना कर देता है, मतलब कि हिचकिचाने लगता है। लेकिन अब रेखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तो कुमार तुरंत ही बोलने लगता है कि मैडम, उस आदमी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, वो बस हमें कॉल करता है और हम लड़की भेज देते हैं। अब रेखा कुमार का फोन लेकर वहां से चली जाती है। बाद में वो वेटर को कॉल करके कहने लगती है कि सर, मैंने कुमार से मुलाकात की, वो एक लड़कियों का ब्रोकर है और फिलहाल दिव्या जिस लड़की के घर में है उस लड़की का नंबर कुमार के फोन से लेकर मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ इस तरफ दिव्या बाथरूम में अपना कान दरवाजे को लगाकर सुनने लगती है कि वो साइको बंदा घर के अंदर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर शॉकिंग बात यह होती है कि एट द सेम टाइम पर वो साइको बंदा भी अपना कान दरवाजे पर लगाकर ये सुनते रहता है कि दिव्या अंदर क्या कर रही है। अब यहाँ दिव्या दोबारा से वेटर को कॉल करके कहने लगती है कि सर, थोड़ी देर बाद में वो साइको बंदा बाथरूम के अंदर आ जाएगा और मुझे मार देगा। आप लोग कहाँ पर हो? अब तक आप लोग यहाँ पर कैसे नहीं पहुंचे? ऐसे में अब वेटर दिव्या को हौसला देने लगता है। वो उसे कहता है कि दिव्या, तुमको धैर्य से काम लेना होगा, मेरी बात मानो, हमारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन तब तक तुम बाथरूम में कोई स्ट्रॉन्ग चीज है तो उसे अपने हाथ में ले लो और जैसे वो बंदा बाथरूम में आए तो उसके ऊपर हमला कर दो और वहां से बचकर भागने की कोशिश करो। तो इसी तरह से वहां पर तलाश करने पर दिव्या को एक टॉयलेट का प्लेट मिलता है। वो रेडी रहती है कि जब भी वो बंदा आएगा वो उसके ऊपर हमला कर देगी। अब उसी वक्त तो साइको बंदा कुल्हाड़ी लेकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और फाइनली दरवाजा तोड़कर अंदर आ ही जाता है। तो दिव्या भी उसके सर पर वार करके वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस साइको बंदे को कुछ भी नहीं होता। और अब यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक हाथापाई होने लगती है। कभी दिव्या उसके ऊपर अटैक करती तो कभी वो बंदा दिव्या को मारने पीटने लगता, लेकिन फाइनली इस हाथापाई में वो बंदा दिव्या के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब वो बंदा थोड़ा रिलैक्स होने के लिए सिगरेट पीने लगता है, लेकिन सिगरेट खत्म होने की वजह से वो बंदा अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर जाने लगता है सिगरेट लेने के लिए। लेकिन वो बंदा अपने घर से जैसे ही बाहर निकलता है उसके फोन में सिग्नल आ जाते हैं। तो तभी एक लेडी पुलिस वाले उसके नंबर को ट्रैक करते हुए ये बात वेटर को बताने लगती है। सर, अभी भी वो बंदा अपने घर से बाहर निकल कर कहीं पर जा रहा है। तो उसी वक्त वेटर अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर जाने लगता है। तो थोड़ा आगे जाने पर वेटर को वो बंदा दिखाई देता है और जब वेटर उस साइको बंदे को पकड़ने के लिए जाता है तो वो बंदा पुलिस को देखकर वहां से भागने लगता है। इस तरह से इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। अब इसी हाथापाई के दौरान वो साइको बंदा वेटर के पेट में एक रॉड घुसा कर उसे स्टैब कर देता है, लेकिन वेटर भी किसी तरह से अपनी गन हासिल करके उस साइको बंदे के पेट में गोली मार कर उसे बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर में वेटर की टीम वहां पर पहुंच जाती है। वेटर और उस साइको बंदे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। हॉस्पिटल में वेटर के पेट पर थोड़े बहुत स्ट्रेचेस लगते हैं और उसके बाद वो थोड़ा ठीक हो जाता है। उसके बाद वेटर रेखा से मुलाकात करके उसे बताता है कि तुम पेरूमल के पास जाकर दिव्या की बेटी दिया को बचा लो, क्योंकि पेरूमल ने दिव्या की बेटी को किडनैप कर लिया है। अब यहाँ पर सीनियर डॉक्टर उस साइको बंदे का भी इलाज करके उसे बचा लेते हैं और एक जूनियर डॉक्टर लेडी से कहते हैं कि तुम इसकी बीपी चेक करो और इसको ऑब्जर्वेशन में रखो। तभी वो लेडी डॉक्टर उस साइको बंदे का चेहरा देखकर शॉक रह जाती है। वो अपनी सीनियर डॉक्टर और वेटर के पास आकर कहने लगती है कि सर, आपने इस बंदे को अपने हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया? तो वेटर पूछने लगता है कि क्या तुम इस बंदे को जानती हो? तो वो लेडी डॉक्टर कहती है कि हाँ, मैं इसे जानती हूँ, और वो उन्हें उस आदमी की कहानी बताने लगती है। दरअसल दोस्तों, इस साइको बंदे का नाम होता है दिलीप, जो कि कुछ सालों पहले MBBS की पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि यहाँ पर जो डॉक्टर लेडी है ना, वो दिलीप की क्लासमेट होती है। अब कॉलेज में हर वक्त दिलीप अकेला ही रहता, ना किसी के साथ बातें करता, ना किसी के साथ दोस्ती करता, बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता। लेकिन जब दिलीप थर्ड ईयर में था तो वो स्वाति नाम की एक लड़की के साथ प्यार करने लगा, लेकिन स्वाति तो संदीप नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। जब ये बात दिलीप को पता चलती है तब एक दिन वो मौका देकर संदीप को बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है। उसके बाद स्वाति दिलीप के पास आकर उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को मारने की? आज के बाद से तुम मुझसे और मेरे बॉयफ्रेंड से दूरी रहना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो उसके बाद से दिलीप ने स्वाति को कभी तंग नहीं किया, ना ही उसने उससे मुलाकात की और ना ही उसने उसे फॉलो किया। लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं क्यों स्वाति ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन जब तक स्वाति को अस्पताल ले जाते तब तक वो मर चुकी थी। अब स्वाति की लाश को मॉर्चरी रूम में रखा जाता है ताकि सुबह होने के बाद स्वाति के माँ बाप यहाँ पर आएंगे और स्वाति की लाश को उन्हें सौंप दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर रात में उस मॉर्चरी रूम में काम करने वाला एक बंदा दिलीप को उस रूम में लेकर आता है। वो उसे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ तुम स्वाति से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब तो स्वाति मर चुकी है, तुम अपनी ख्वाहिशें इसके साथ पूरी कर लो, वरना अगर ये टाइम चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। इस तरह से दरवाजा बंद करके वो बंदा वहां से चला जाता है।
उसके बाद दिलीप स्वाति को जिंदा इमेजिन करके उसके साथ रोमांस करने लगता है, उसके साथ डांस भी करता है और उसके बाद स्वाति की लाश के साथ कांड वगैरह करने लगता है। तो तभी वो लेडी डॉक्टर उस मॉर्चर रूम के बाहर से गुजर रही होती है, तभी उसे वहां पर कुछ आवाज सुनाई देती है। तो जब वो मॉर्चर रूम के अंदर झांक कर देखती है तो दिलीप की हरकतें देखकर वो तो शॉक ही रह जाती है। वो लेडी डॉक्टर तुरंत अपने कॉलेज के डीन को कंप्लेंट कर देती है। उसके बाद कॉलेज का डीन दिलीप को अपने कॉलेज से निकालकर एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। खैर, अब यहाँ पर हम प्रेजेंट डे पर आते हैं, जहाँ पर पुलिस वालों को दिव्या की लोकेशन का पता चल जाता है और अब वो पुलिस वाले बेटी को कॉल करके इसी बारे में बता देते हैं। तो वेटरी भी तुरंत उस लोकेशन पर जाने लगता है। अब यहाँ इस तरफ हम रेखा को देखते हैं, वो पेरूमल के पास आकर उसके पैरों पर गोली मार के उस बच्ची दिया को बचा लेती है। और यहाँ इस तरफ जब दिव्या को होश आता है तब वो वहाँ पर बेसमेंट में थी। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और एट द सेम टाइम यहाँ हॉस्पिटल में दिलीप को भी होश आ जाता है, लेकिन वो उस लेडी डॉक्टर को मार के वहाँ से भाग जाता है। यहाँ इस तरफ दिव्या भी बहुत ही मुश्किल से दिलीप के घर से भाग जाती है। भागकर वो सड़क पर आती है और हेल्प के लिए इधर उधर भटकने लगती है। थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक मेडिकल दिखाई देता है और इस मेडिकल को एक बूढ़ा बूढ़ी रन कर रहे होते हैं। तो दिव्या वहाँ पर आकर उन दोनों को अपने बारे में बताने लगती है कि एक बंदा मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। उसके बाद वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करके यहाँ के लोकेशन के बारे में बताने लगती है। थोड़ी देर के बाद दिलीप पेन किलर लेने के लिए इसी मेडिकल स्टोर पर आता है, लेकिन इसी दरमियान में बेटर उस मेडिकल स्टोर पर कॉल करके दिव्या के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो लड़की अभी भी आपके शॉप पर मौजूद है और आपका एड्रेस कहाँ पर है, मैं रास्ते में ही हूँ, आपके मेडिकल की तरफ आ रहा हूँ। तो अब दिलीप को भी इस बुढ़िया की बातें सुनने के बाद पता चल जाता है कि दिव्या और कहीं नहीं बल्कि इन्हीं के घर में छुपी हुई है। उसके बाद क्या था, दिलीप उन बुढ़ा बुढ़ी को मार देता है और दिव्या को ढूंढकर उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह दिव्या अपनी जान बचाती रहती है, मतलब कि इधर उधर भागकर कहीं छुपकर। और अब उसके थोड़ी देर बाद वेटर उसकी टीम उस बुढ़ा बुढ़ी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी मर चुके थे। अब वेटरी दिलीप को इधर उधर ढूंढने लगता है, ढूंढते ढूंढते उसे कब्रिस्तान के पास दिलीप नजर आता है और अब यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। तभी इसी दरमियान में दिव्या एक बड़ा सा रॉड लेकर दिलीप के सर पर मार देती है, जिस वजह से दिलीप की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसी वक्त रेखा भी वहां पर दिव्या की बेटी दिया को लेकर पहुंच जाती है और दिव्या अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश रहती है, वो उसे अपने गले से लगा लेती है। खैर, अब उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वेटरी दिव्या को पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही एक जॉब दिलवा देता है और इस जॉब को करते हुए दिव्या हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। और दोस्तों, इस तरह से वेटरी दिव्या का सपोर्ट करके उससे माफी भी मांग लेता है और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।